जय हिंद। आप में से बहुत से लोगों को लगता है कि पृथ्वी गोल है, गोल नहीं है। कुछ लोग को लगता है चपटी है, चपटी भी नहीं है। कुछ कहते हैं संतरा की तरह है, तो कुछ कहते हैं नारियल, छुहारा, मौसम्मी, ये सब कुछ नहीं है। समझिए पृथ्वी है कैसे। पृथ्वी के बारे में अगर आप समझते हैं तो पहले आप दिमाग लगाइए कि पृथ्वी गोल कैसे हो सकती है। इसी पृथ्वी पर बड़ा बड़ा महासागर है, समुंदर है, धंसा हुआ अंदर है, वो कैसे गोल हो जाएगी। और इसी पृथ्वी के ऊपर बड़े बड़े विशाल पर्वत है, तो गोल कैसे हो सकता है। आपको मेरा चेहरा गोल लगता है, इसमें अगर आप देखेंगे नाक उठा हुआ है, आँख कम धंसा है, मुंह एकदम अंदर तक धंस गया हुआ है, माथा बराबर है, गाल तनी पचका ढचका है, अलग टाइप का है कि नहीं। इधर दाढ़ी है, सवाना घास का मैदान, इसको कैसे आप गोल कह सकते हैं। इसको कभी गोल है, अगर आप पृथ्वी को गोल या फिर नारंगी संतरा कहते हैं, इसका मतलब आपके अंदर सोचने विचारने की क्षमता उतनी नहीं है। समझिए आखिर पृथ्वी है कैसे। इसको समझने के लिए आपको 20 करोड़ साल पहले जाना पड़ेगा। 20 करोड़ साल पहले पृथ्वी जो थी वो इस शेप में थी। बीच में एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट, विशाल महाद्वीप था, जिसका नाम था पेंजिया। हम सब लोग उसी सुपर कॉन्टिनेंट के हिस्सा थे। एक ही महाद्वीप था, आज की तरह 7 महाद्वीप नहीं थे, और चारों ओर इसमें समुद्र था जिसका नाम था पेंथालासा। सुपर ओशियन का नाम पेंथालासा, सुपर कॉन्टिनेंट का नाम पेंजिया। एक ही महासागर, एक ही महाद्वीप थे। इन्हीं से टूट के कई महासागर बने और कई सारे महाद्वीप बने। वेगनर महोदय ने ही बताया था प्लेटो के मतलब महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, कैसे कैसे ये जो पेंजिया महाद्वीप था ये टूट गया। यहाँ पर धीरे धीरे ये पेंजिया महाद्वीप ऐसे टूटना चालू हुआ, और जब पेंजिया टूटा ना तो इसके ऊपर का एक जो खंड था वो कहलाया लारेसिया, और नीचे वाला कहलाया गोंडवाना लैंड। और इन दोनों के बीच एक नए सागर का जन्म हो गया, जिसे हम कहते थे तेथिस सागर। ये तेथिस सागर के जगह पे हिमालय खड़ा हो गया, जहां उस समय का सबसे गहरा सागर होता था तेथिस सागर, आज वहां हिमालय खड़ा हो गया। इसमें हम ये बेसिकली ये समझेंगे कि पृथ्वी की बनावट कैसी है। हम ये नहीं समझेंगे कि कौन सा जीव कब आया था, वो हम एक अलग वीडियो में बताएंगे कि कब इस पर डायनासोर आए, सरीसृप आए, मछली कब आए, कैसे इस पर पानी का विकास हो गया, कैसे आखिर जीव आया। आप सोचते हैं ना मुर्गी की पहले अंडा, ये सब टाइप का। तो अभी हम इसमें मेन फोकस किए हैं कि पृथ्वी के शेप का डिजाइन कैसे बना इसका। तो ये ऊपर का भाग यहां पर हो गया, और अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर का जितना भाग था इसको हम लोग लारेसिया या एक अलग नाम दे दिया गया, अंगारा लैंड। तो आज के वक्त में जितने भी ऊपर में आप महाद्वीप देखेंगे, यहां उत्तरी अमेरिका देख लेंगे, यूरोप देख लेंगे, एशिया देखेंगे, तो ये सब उत्तरी ये अंगारा लैंड के हिस्सा थे सब, जिसे हम लोग लारेसिया भी कहते थे। और नीचे वाले जितने द्वीप हैं सब, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, और उस वक्त तक भारत भी यहीं था। ये हिंदुस्तान दिख रहा है आपको, ये वाला है हिंदुस्तान, यहाँ पर भारत यहाँ से उठ के गया था यहाँ पर। ये तो इंडोनेशिया दिख रहा है, यहाँ से इस तरह से यहाँ से भारत गया था। तो नीचे वाले एरिया को हम लोग कहते हैं गोंडवाना लैंड, इसको हम लोग जम्बू द्वीप भी कहते हैं। वर्तमान में भले भारत उत्तरी भाग में है, लेकिन जब ये ओरिजिन किया था आज से लगभग वो 15 करोड़ साल पहले, तो उस वक्त 15 करोड़ साल, देखिए इसकी तो शुरुआत टूटने फूटने की हो गई थी 20 करोड़ साल पहले, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। एक साल में केवल 5 सेंटीमीटर घसकता है, तो सोचिए ना हजारों किलोमीटर घसक गया था तो कितना करोड़ साल लगेगा। तो ये धीरे धीरे भारत आया था। तो भारत शुरुआत में गोंडवाना लैंड या जम्बू द्वीप का हिस्सा था। कई करोड़ साल बाद धीरे धीरे महाद्वीपों अपने अस्तित्व में आना चालू हो गए सब। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर दक्षिणी अमेरिका बनने लगा है, ये उत्तरी अमेरिका लगभग लगभग बन गया, ये यूरोप और एशिया एक ही में थे, और यहां अफ्रीका में सटा हुआ था यहां पर मेडागास्कर, मेडागास्कर टूट गया, और इससे टूट गया यहां से हिंदुस्तान। ये इंडिया जो है, ये इंडिया अब इधर की ओर जाने लगा, जबकि ऊपर में जो चाइना है, रूस वाला भाग है, उसके नीचे अगर देखेंगे तो तेथिस सागर है ये, और ये भारत है। इन दोनों के बीच में आज भले हिमालय है, लेकिन एक समय था जब तेथिस सागर था, और उसके बाद यहां से भारत जाना चालू किया। आज से लगभग 7 करोड़ साल, 10 करोड़ साल, ऐसे धीरे धीरे कई करोड़ साल लगा, और उसको जाते जाते यहां से धीरे धीरे यहां से यहां घसका, फिर यहां घसका, तेथिस सागर खत्म करके यहां घसक गया यहां पर, और जाके अभी ये भारत यहां पर दिख रहा है। तो ये कभी जम्बू द्वीप और अफ्रीका के पास वहां का एरिया का हिस्सा था, और ये जब घसका ना तो आगे वहां पर बैठा था पहले से यूरेशिया का प्लेट, जो चाइना तिब्बत का एरिया था, वहां पर ये जाके उससे टकरा गया, और टकराने के बाद भी रुका नहीं, उसे ढकेल ढकेल के ऊपर उठाने लगा। ढकेल ढकेल के जब ऊपर उठाया तो ये एरिया उठ गया, और ये विशाल एरिया हाइट पर ऐसे उठ गया यहां पर, इसके ऊपर चाइना और तिब्बत का ये एरिया हो गया, ये धीरे धीरे ऊपर जाकर उठ गया। आप अगर यहां देखेंगे तो ये इंडियन प्लेट है, ये ढकेल दिया है और खुद नीचे घुस गया है, और ये ढकेलने से यहां पे आप देखेंगे तो कई सारे पहाड़ियों का निर्माण हो जाता है। तो इससे
इंडियन प्लेट जब उसको ढकेला तो वहाँ एक विशाल पर्वत का निर्माण हो गया। जैसे जैसे अगर आप हाइट पर जाते हैं तो हाइट पर जाने से टेम्परेचर में गिरावट आती है। ये क्यों आती है ये अलग बताएंगे। 165 मीटर की अगर आप ऊंचाई पर चले जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाएगी। लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे ना तो आप में 5 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाएगी। हिमालय पर्वत लगभग 9000 किलोमीटर है, अगर 9 × 45 देखेंगे तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तो ऐसे ही गिर जाएगा कोई भी चीज़ हिमालय। इसलिए वहाँ पर पहाड़ के ऊपर पूरा टेम्परेचर गिरने से बर्फ का अंबार लग गया, पहाड़ों पर पूरा बर्फ लग गया। यहाँ धीरे धीरे इंसान बसना चालू हुआ, करोड़ों वर्ष पहले वो भाषा का आविष्कार किया तो उसने इस पहाड़ का नाम रख दिया बर्फ का घर। जिस तरह से पुस्तक का घर क्या होता है, घर को हिंदी में क्या कहते हैं, आलय, घर को आलय कहा जाता है। अब पुस्तक का घर है तो पुस्तकालय, भोजन का घर है तो भोजनालय, उसी तरह ये बर्फ, बर्फ को हम लोग हिंदी में कहते हैं हिम, हिम का घर हो गया तो हो गया हिमालय, तो यहाँ हिमालय का निर्माण हो गया, हिमालय पर्वत का निर्माण यहाँ से हो गया, यहाँ पर ये हो गया पर्वत हिमालय, उस ओर तिब्बत हो गया। तो ये तो उबड़ खाबड़ आकृति आप देख रहे हैं। अब पृथ्वी सच में कैसे दिखती है वो अगर देखना है तो देखिए ये है आपकी पृथ्वी, ये ओरिजिनल पृथ्वी है, इसको कंप्यूटराइज करके मतलब शेप लिया गया है यहाँ पर। अब आप बताइए ये इसको कौन कहेगा कि ये गोल है या फिर पृथ्वी चपटी है। पहले के ज़माने में लोग कहते थे पृथ्वी चपटी है, इसलिए वो दूर तक का सफ़र नहीं करते थे कि कहीं हचाक से गिर जाएंगे तब क्या होगा। ये बहुत प्राचीन काल की है, प्राचीन चीज़ को अभी से मत मिलाइए, वो उस वक्त उसी को सच माना जाता था और अभी के वक्त में वो सब सच नहीं है। तो ये जो चीज़ है ये पृथ्वी है, ये गोल है नहीं है, तो भूगोल वेताओं ने इसके लिए एक अलग शेप बनाया, एक अलग डिजाइन, उसको क्या नाम दिया गया। तो देखिए इस तरह से जो पृथ्वी है इसमें अगर आप देखेंगे तो ये वाला एरिया जो है उठा हुआ है और यहां वाला एरिया धंसा हुआ है। तो इसमें दो चीजें दिखेंगी आपको, एक उठा हुआ ये एरिया दिखेगा और एक धंसा हुआ ये एरिया दिखेगा, फिर यहाँ उठा हुआ है, फिर कहीं धंसा हुआ है। तो इसके लिए एक नियम बनाया गया जिसे हम एवरेज नियम कहते हैं। एवरेज नियम कहते हैं कि धंसा वाले से थोड़ा उठा के और उठा हुआ से तनी सा नीचे करके, यानी इन दोनों के बीच में एक शेप ले जाते हैं। तो देखिए ये जो रेड लाइन गई है, ये रेड लाइन, ये उठा हुआ से कम है और धंसा हुआ से ज़्यादा है। तो ये एवरेज लाइन जो खींच दिया गया है ना, ये एवरेज लाइन वाली आपकी आकृति गोल दिखती है। इसी डॉटेड एवरेज लाइन को यहाँ आप देखेंगे, यहाँ उल्टा रंग दिए हैं, यहाँ पर अगर रेड कलर का देख रहे हैं तो ये ओरिजिनल शेप है पृथ्वी का, और ये डॉटेड लाइन काला से जो खींचे हैं ये क्या है, एक आपका काल्पनिक शेप है। तो उसी जो डॉटेड लाइन है जो एवरेज आकृति को गोल कर देता है उस शेप को हम कहते हैं जियोड। तो पृथ्वी का जो शेप है वो होता है आपका जियोड। अब आप ये मत कहिएगा कि पृथ्वी का शेप जो होता है गोल वोल होता है, ये जियोड होता है, यानी इसका एवरेज और ये यहाँ 20 से ले लेंगे तो गोल दिखने लगता है, तो आकृति हो गई जियोड। इस जियोड के ऊपर कहाँ कौन पर्वत है, कहाँ क्या चीज है, इस पढ़ने की क्रिया को, जियोड के ऊपरी पढ़ाई को हम लोग जियोग्राफी या भूगोल कहते हैं। आप मैच कीजिए यहां से जियोग्राफी या जियोड से। लेकिन इसी जियोड शेप को अंदरवा घुस के पढ़िएगा, भोंक भांक के अंदर घुस जाइएगा, बकोट ओकोट के अंदर, किसी सूरज ज्वालामुखी कहां से आ रहा है, भूकंप कहां से आ रहा है, इसके अंदरवा घुस जाइएगा ना, तो जियोड के अंदर घुस के अध्ययन को हम लोग जियोलॉजी कहते हैं, भूगर्भ विज्ञान, जियोलॉजी। यानी जियोग्राफी और जियोलॉजी दोनों जियोड में है, एक ऊपर पढ़िए एक अंदर पढ़िए। जूलॉजी मत सोचिएगा, ये तो जूलॉजी ZOO होता है, जूलॉजी वाला, ये तो डॉक्टर उगर पढ़ता है, इसमें भेड़ बकरी आदमी मानव ये सबको पढ़ा जाता है, बॉटनी में पेड़ पौधा को, तो वो जूलॉजी अलग है, जियोलॉजी होता है। तो पृथ्वी जियोड शेप का है। इस जियोड में आपको भूगर्भ विज्ञान में जूलॉजी पढ़ना होगा, ज्योग्राफी ऊपर ऊपर वाले में। अब ज्योग्राफी में भी कई चीज आ गए, क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है, क्लाइमेटोलॉजी, टोपोग्राफी, कई शेप आ जाते हैं, ओसोनोग्राफी, ये सब में कई चीजें आ जाती हैं जो आगे दर पर्दा आपको पढ़ते रहना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये हमारी पृथ्वी है और हम लोग को जो पढ़ाया गया है वो इस तरह से। अब ये 23.5 डिग्री झुकी है, इसका उत्तरी दक्षिणी ध्रुव क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे जरूरी जो चीज़ होता है आपको पृथ्वी के अंदर का ग्रिड समझना। ये ग्रिड बने होते हैं दो चीज़ से, अक्षांश देशांतर यानी लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अगर आपको किसी जगह का लेटिट्यूड बता दिया जाएगा तो आप बता देंगे
कोई भी लेटिट्यूड अगर आप दे दिया जाएगा, बता दीजिएगा कि वहाँ कितनी वर्षा होगी, कितना धूप आएगा, गर्मी का दिन कब आएगा, ठंडी का दिन कब आएगा, और लॉन्गिट्यूड दे दिया जाएगा अगर उसका किसी चीज़ का, तो आप वहाँ टाइमिंग बता देंगे कि क्या समय बन रहा है, क्या चीज़ है वहाँ का क्लाइमेट ए टू जेड में। तो ज्योग्राफी में किसी चीज़ को समझने के लिए इस सब चीज़ों का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ये हम आपको बता देंगे। आई होप आप इसको तो समझ गए होंगे कि पृथ्वी गोल है या चपटी है, पृथ्वी जियोड है साइंस के हिसाब से, बाकी आप किसी पुरानी परंपरा को मानते हैं तो आप मानते रहिए, लेकिन ज्योग्राफी यही करता है कि भाई साहब पृथ्वी जियोड है, जियोड से बना है ज्योग्राफी। अब एक सूचना आप ध्यान से समझिए, ये चीज़ें आप समझ गए ना, आज रात में मेरे मोबाइल पे एक मेल आया था, और वो मेल बेसिकली इसीलिए आया था कि मेरे चैनल को हैक किया जा सके, और कई चैनल हैक भी हुए हैं। आप अगर इधर देखिएगा तो कई टीचरों के भी चैनल हैक हो गए, कई लड़के हमें भी फ़ोन कर रहे हैं सर यहाँ पे, आप लोग भी उन टीचर के लिए भाई जितने स्टूडेंट रहे आप लोग ट्विटर वगैरह पे उनके लिए करिए, क्योंकि कोई भी टीचर आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहा है तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपकी सेवा के लिए कर रहा है, लेकिन बहुत हैक होने का एक बड़ा टेंशन हो जाता है। वो तो हम अच्छा हुआ उस ईमेल का कोई रिप्लाई नहीं किए, उसकी भाषा से ही हम पकड़ लिए, एक दो शब्द थोड़े अलग टाइप के थे, वो किस भाषा ना इंग्लिश था हिंदी था और अजीब टाइप की भाषा थी, तो हमें लगा कि ये गड़बड़ है। लेकिन देखिए कहीं ना कभी कुछ भी हो सकता है, हैक होने के बाद जिनका चैनल हैक हो गया है उनमें 90% संभावना है कि एक हफ्ते के अंदर आ जाता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी थोड़ी आ जाता है, और एक हफ्ते तक आपको कोई सूचना भी नहीं दी जा सकती है। इसलिए एक दूसरा चैनल हम केवल बैकअप के लिए बनाए हैं जिसका नाम है खान सर लाइव। इस चैनल का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस चैनल को देख लीजिएगा, उस पर हम एक वीडियो डाल दिए हैं कि अभी चाइना से क्या इशू चल रहा है, चाइना के जहाज को किसने मार के गिरा दिया, और हमारा एक बहुत ही बढ़िया प्लान जिसको चाइना ने ध्वस्त कर दिया, लाओस को लेकर हमारा एक लुक ईस्ट पॉलिसी को तो चौपट कर दिया, आखिर ये क्या चीज है, आप उस चैनल पे देख लीजिए। उस चैनल को आप एज ए बैकअप या इमरजेंसी के लिए सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, उस पर भी इधर वीडियो देते रहेंगे, क्योंकि बड़ा जल्दी जल्दी हैक हो रहा है। और हम स्टूडेंट्स के लिए जो प्रोटेस्ट किए थे 5 दिन में गवर्नमेंट जो थी वो 2017 से जो सोई थी उसको होश आ गया कि भाई लड़कों का एग्जाम भी लेना है, धड़ाधड़ एग्जाम का डेट आने लगा, रेलवे हाँ सब स्टूडेंट्स को कहते हैं कि दुनिया भाड़ में जाए, लेकिन आप अपने अधिकार के लिए डटे रहिएगा। और जितने हमको तो लगता है कि भाई साहब जो हैकिंग हो रही है ये टीचर्स की क्यों हो रही है पता ही नहीं चल रहा, हालांकि मोदी जी का भी चैनल हैक हो गया, हैकर्स को आप कुछ नहीं कर सकते, किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते, या अमेरिका जापान रूस उसके हैकर बड़ी खतरनाक होता है, सब इसी का पढ़ाई पड़ता है। तो आप लोग के लिए कह रहे हैं कि अगर बाय द वे हो गया तो आप उस चैनल पर हम आके आपको बताते रहेंगे जब तक कि ये वाला ना आए, भगवान ना करे कि आप लोग का ये चैनल हैक हो, किसी ना हो है, क्योंकि बहुत मेहनत से आदमी आता है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे, डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक है, आप उसे देख लीजिएगा कि चाइना अभी क्या कर रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।